सर्वप्रथम मैं शुरुआत करती हूँ अपने मैनिफेस्टो से। ये मेरा मैनिफेस्टो है जो मैं आज आपके समक्ष लॉन्च करने जा रही हूँ। ये मैंने अलग अलग मैनिफेस्टोस जो हैं वो तैयार किए हैं खुद, जो मैंने 5 सालों में कठुआ में देखा है, सुना है, समझा है, ऑब्जर्व किया है। मैंने ये मैनिफेस्टो उन सब चीज़ों को, उन सब मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए किया है। सर्वप्रथम मैं बात करूंगी महिलाओं के मैनिफेस्टो के ऊपर। इसमें मैंने महिलाओं के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ये लिख के लोगों में बांटना है। इसमें जो मेरी तरफ से महिलाओं के लिए संकल्प लिए गए हैं वो हैं कि एक तो उनके लिए जो है मेटाडोर और जो लोकल ट्रांसपोर्ट होगा उसका किराया मैं माफ़ करूंगी, क्योंकि हम समझते हैं अभी कठुआ का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, जो थोड़ा बहुत है उसको जो है मुफ्त किया जाएगा, क्योंकि हमारी महिलाएं जो हैं वो कामकाज के लिए निकल नहीं पाती, किराया जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो मैं इसलिए ये समझती हूँ कि अगर हम किराया माफ़ कर दें तो शायद हमारी महिलाओं को कहीं रोज़गार के लिए निकलने में आसानी हो जाएगी। एमरजेंसी सुरक्षा सेवा, मैं समझती हूँ जिस तरह से आसार है कठुआ विधानसभा क्षेत्र में, हमारे यहाँ नशा बहुत बढ़ गया है, शराब की दुकानें जो हैं मौजूदा पार्टियों ने बहुत जगह खोलने की जो है परमिशन दे दी गई है, और जगह जगह ऐसी जगहों पे मैं समझती हूँ बच्चियों के लिए सेफ नहीं है, हमारी महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, जहाँ हम समझते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे दरिंदे आज उत्पन्न हो चुके हैं। इसीलिए सुरक्षा जो है महिलाओं की वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। घर घर रोज़गार महिलाओं को दिया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं समझती हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में यदि आप अपनी बेटी को चुनते हैं तो मैं सर्वप्रथम, ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक होगा, महिलाओं को घर घर रोज़गार मुहैया कराना। उसमें चाहे मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत ये करूँ या मुझे किसी प्राइवेट कंपनियों की हेल्प लेके ये करना पड़े, लेकिन मैं समझती हूँ कि विद इन 6 मंथ्स आई वुड बी रेडी विद माई प्लान्स। मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, मैं समझती हूँ हमारी बच्चियों की क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान देते हुए सब लोग पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मानसिक धर्म बच्चियों के होते हैं उसमें हम उनको फ्री, गवर्नमेंट का कब पहुँचे कब नहीं उसके ऊपर मैं बाद में करूँगी जब मुझे जो है सत्ता में रहने का मौका मिलेगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सकता तो हम जो है मैं इसके ऊपर ओवरलुक करूँगी और किसी एनजीओ के तहत हम सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। विवाह सहायता गवर्नमेंट की भी स्कीम है, मैरिज हेल्प, मैरिज असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, और मैं समझती हूँ कि जब तक मैरिज असिस्टेंट रिलीज होती है तब तक शादी भी हो गई होती है और बच्चा भी हो गया होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि टाइमली हेल्प जो है मैं वो कोशिश करूँगी कि बच्चियों को, जिन बच्चियों की शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से डिले होती है वो ना हो, इस बात का खास तौर पर आपकी बहन खुशबू भगत ध्यान रखेगी। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एमरजेंसी सुरक्षा सेवा के लिए नंबर जारी होगा, और ऐसे ही महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मैं आगे भी बात करूंगी कि उसके लिए हमने एज अ सिटीजन्स, नागरिक, क्या हमने सुरक्षा, ये था मेरा महिलाओं के लिए वादा। और बाकी पेंशन्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो तो हैं ही, लेकिन उसमें भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्टो की ही बात होगी, मैनिफेस्टो के अलावा भी जो मुद्दे होंगे, लेकिन ये मुख्य मुद्दे थे और इन्हीं के ऊपर जो है आगे सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। ये था महिलाओं के लिए। अब मैं युवाओं की बात करूँगी, क्योंकि युवा जो हैं वो हमारा आने वाला भविष्य है। तो मैं समझती हूँ कि सरकारी स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को, बहुत बार हम देखते हैं कहते हुए पाते हैं कि ऑटो में मत आना, थोड़ा पैदल आ जाना, आज किराया नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो दाव पे ना लगे। तो किराया मैंने स्कूली बच्चों और जो
कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए माफ़ किया है, लोकल जो ट्रांसपोर्ट होगा उनके लिए माफ़ होगा। कठुआ विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, सरकारी स्कूल बच्चों के, क्योंकि प्राइवेट में बसेस वगैरह की सुविधा रहती है, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकता है वो किराया भी अफोर्ड कर सकता है, ये मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ। सेना, SPO, JKP, आर्मी, CRPF, BSF, कोई भी भर्ती हो, बहुत लंबे समय से नहीं हुई। अग्निवीर की योजना भी जो है वो अभी लोगों में बहुत अच्छे से समझ में लोगों को नहीं आई है, प्रकाश डाला जाएगा उसके ऊपर भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हम जल्द से जल्द जो है लोकल भर्तियां करवाएं। SPO भर्ती स्पेशली कठुआ में बहुत लंबे समय से नहीं हुई, लगभग 4 साल इसको हो गए हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूँ JKP, तो इसके ऊपर भी प्रकाश डाला जाएगा, और जो फॉर्म समय दर समय निकलते आए हैं और स्कैम्स हमने देखे जैसे तैसे हुए जिसकी वजह से नौकरियों में डिले हुआ, उसके ऊपर भी जो है बात की जाएगी और कुछ ना कुछ उसका सलूशन जो है निकाला जाएगा। डिग्री कॉलेज में मेरिट के बिना दाखिला, ये पॉइंट बहुत मेरे लिए मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन मैं बात करूंगी। अगर इसके लिए मुझे सेंटर तक जाना पड़ा, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ी, तो हम करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, बनी बसोली, हीरानगर, यहाँ से जब बच्चे आते हैं इतनी दूर दूर से यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए या बाहर जाने के लिए, तो सब लोग कमरा अफोर्ड नहीं कर सकते, PG अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि प्राथमिकता जो है वो लोकल बच्चों के लिए उसी डिग्री कॉलेज में उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये था, हाँ, और पांचवा पॉइंट प्राइवेट नौकरियाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो अभी सरकार बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी कि कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई कितनी नहीं हुई, तो उसके ऊपर जो है मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि एटलीस्ट 50% जो कि यहाँ पे मिलता नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि प्राथमिकता जो है एटलीस्ट 75% लोग लोकली इंडस्ट्रीज में लगें। उसके बाद यदि कोई बाहर से आता है कोई मजदूर वगैरह, तो मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो है प्राथमिकता हमारे लोकल लोगों को दी जानी चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, और उसके साथ साथ जो जॉब आवर्स हैं, स्पेशली जैसे हमने कई फैक्ट्रियों में यहाँ पे देखा डबल डबल काम मजदूरों से लिया जाता है, तो उसके ऊपर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके ऊपर बात होगी, उच्च लेवल पे होगी, उच्च स्तरीय पर होगी। ऐसा कोई ना समझे कि मैं केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित रहूँगी, मुझे अगर सेंटर में जाके धरना देना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। तीसरी बात मैं करती हूँ कठुआ नागरिकों की, कठुआ के जो नागरिक हैं हमारे सिटीजन्स ऑफ कठुआ की मैं बात करूँगी इन जनरल। एक तो सबसे पहले CCTV निगरानी, मैंने इसमें मैनिफेस्टो में रखा है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी जो है वो इसलिए है कि हमने देखा पिछले लंबे समय से कठुआ में चोरियों का दर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले कठुआ के नागरिक जो है वो सुरक्षित फील करें, सुरक्षित महसूस करना बहुत ज़रूरी है कठुआ में, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी लेडीज़ के लिए, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं होगी तो फिर हमारा बाहर जाना, पढ़ाई करना, नौकरी करना असंभव हो जाएगा, और यहीं पे जो है हमारे कठुआ की तरक्की रुक जाएगी। दूसरी ओर मैं बात करती हूँ सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन सुविधा की, बिल्डिंग्स बहुत बहुत है, ठेकेदारी बहुत है, लेकिन उसके अंदर मशीनरी नहीं है उपलब्ध, और ना ही डॉक्टर्स हैं, ना ही कोई टाइमिंग्स हैं, और जो डॉक्टर्स भर्ती किए गए हैं उनके ऊपर भी जो है संज्ञान लिया जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है और क्या कारण है जो जो मरीज़ जो है जैसे ही हॉस्पिटल में जाता है उसको रेफर कर दिया जाता है, तो हम कहाँ पीछे रह रहे हैं। बिल्डिंगें तो हमारे पास बहुत है, मशीनरी नहीं है, उपलब्ध सुविधाएं नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं जो है इसके ऊपर प्रकाश डालूंगी। अब मैं बात करूंगी मुफ्त बिजली, तो कुछ लोग कहते हैं हमें मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, हमें अच्छी चाहिए। मैं ये समझती हूँ आपको अच्छी बिजली भी मिलेगी और मुफ्त भी मिलेगी, क्यों, क्योंकि हम बेचने का काम कम करेंगे और अपने लोगों को जो है बिजली सप्लाई करने का काम ज़्यादा करेंगे। और मैं समझती हूँ, मैं यहाँ मीटर्स की या कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ये मेक श्योर करना चाहूँगी कि गेटवे होने के नाते, जम्मू कश्मीर का गेटवे होने के नाते, एटलीस्ट कठुआ की जो मेन विधानसभा है उसमें 24 घंटा बिजली होनी चाहिए।
ये मेरा जो है उद्देश्य रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा है जहां आज तक बिजली शायद 10 या 15 बार गई होगी। और इसकी इस बात की मैं जो हूँ, मैं खुद इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा है। केवल हमारी स्टेट्स में जो है वो आजकल बिजली जो है ज़्यादा चोरी हो रही है और हमारे घरों तक कम पहुँच रही है, इसलिए मैं मुफ्त बिजली देने का प्रयास अपनी तरफ से पूरा करूंगी और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि गेटवे होने के नाते हमारे कठुआ में बिजली हमेशा उपलब्ध रहे, क्योंकि हमारे यहाँ यात्राएं होती हैं, अमरनाथ जी की यात्राएं होती हैं, लोग आते जाते हैं, तो अगर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा तो टूरिज्म नहीं बढ़ेगा और इस वजह से जो है हमारा कठुआ पीछे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। मुफ्त पानी, आधे से ज़्यादा कठुआ जो है वो रूरल है, गाँव के क्षेत्र आते हैं, नदियां हैं, नाले हैं, नलके हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं। यदि उनकी अच्छे से मैनेजमेंट की जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ज़रूरत है या हमें कोई गर्मियों में जिस तरह से मैं समझती हूँ कठुआ म्यूनसिपलिटी में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी जगह में पानी जो है वो नहीं मिलता लोगों को। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि कठुआ में जो है मुफ्त पानी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ म्यूनसिपलिटी है जो अर्बन एरिया है बाकी जगहों पे, और अर्बन एरियाज में भी कई जगह पे लोगों के घर में अपनी अपनी मोटर्स लगी हुई हैं। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम मुफ्त पानी की सुविधा जो है उपलब्ध कराएंगे। और मैं समझती हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ्री में बिजली, फ्री में पानी दे सकते हैं, तो आम नागरिक को, आम जनता को क्यों नहीं दे सकते? आम जनता को देने में आपको दिक्कत होती है, बड़े बिजनेसमैन को आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं आम जनता के लिए काम करूंगी और आम जनता को फ्री बिजली पानी देने का प्रयास मेरी तरफ से पूर्ण तौर पर किया जाएगा। और इससे आगे बढ़ते हुए जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रही है, और मैंने हमेशा जो है कठुआ का एक मैप अपने दिमाग में इमेजिनेशन से तैयार किया है कि मेरे लिए कठुआ जो है किस तरीके से तैयार होगा, क्योंकि जब हम प्रवेश करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार से यानी लखनपुर से, तो मैं समझती हूँ लखनपुर में एंट्री करते ही जो है बाहर के लोगों का जो इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में पड़े, वो यहीं से पता चल जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है भारत देश का ताज में जो है हमने एंट्री ले ली है। इसके ऊपर जो है मैं पूरा काम करूंगी, क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का प्रयास करूंगी। और मैं समझती हूं कि क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने में कठुआ के नागरिक मेरा पूर्ण रूप से साथ देंगे, सहयोग करेंगे और अपनी बेटी को विजय बनाएंगे, ताकि हम मिलजुल कर कठुआ को साफ रखें, कठुआ को ग्रीन रखें। और ये प्रयास करने में मेरी मदद कीजिए। और इसमें मैं एक पॉइंट पे मुख्य तौर पे बात करना चाहूँगी कि जो सीसीटीवी की मैंने बात की, 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत कठुआ को लाने की मैंने जो बात की, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों का जो है हमें फ़ायदा होगा। बहुत हमारे कठुआ में प्रतिष्ठित लोग हैं जिनकी जो है जो आजकल सेफ नहीं कर रहे, कई चोरियाँ हो रही हैं, और चोरियों की वजह से जो है हमने पीछे देखा कि बहुत दो एक मियां बीवी को, हस्बैंड वाइफ को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके पीछे का यही कारण था कि वो घर पे अकेले थे और चोरी हुई और चोर जो है सामान लेके भी गए और उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए मैं ये समझती हूँ कठुआ में प्रतिष्ठित लोग होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि कठुआ को सुरक्षित रखा जाए। और केवल जो है पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं, ये हम नेताओं का जो आने वाले अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ये कार्य करने की पूर्ण जो है कोशिश आपकी बेटी करेगी। और मैं यहीं पे जो है कुछ मुद्दों पे आपसे बात करना चाहूँगी। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने ये तैयार किया है, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो है मेरा फॉर्म चेक कर सकते हैं और मेरे जो है क्वालिफिकेशन और अपने नेता को जानने के लिए मेरी फेसबुक, ट्विटर और जहाँ जहाँ मैं अवेलेबल हूँ सोशल मीडिया पे आप चेक कर सकते हैं मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेरी प्रोफाइल जानने के लिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बहुत साफ़ सुथरे सभी के लोगों को जो है कुर्सी सौंपें। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला भविष्य जो है हमारे बच्चों का तय होता है। कोई भी रिकॉर्ड ऐसा गलत जो है कईयों का रहता है, कभी कभी हमारे ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं, कुछ होता है, तो हमें वहीं से समझ लेना चाहिए कि ऐसे नेताओं को जो है हमें कुर्सी पे नहीं बिठाना चाहिए। और आजकल जो है रोज़गार और बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत बड़ा हुआ है, तो लोग जो है
मुझे नहीं लगता कि हमें जो है नौकरियों की बात नहीं करनी चाहिए, और मुझे ये लगता है कि नौकरियां इतनी ज़रूरी हो गई हैं और यहाँ जो है नौकरियां छोड़ने की जब बात होती है और नेतागिरी में जो बात होती है वो नहीं होनी चाहिए।